मानव सेवा ट्रस्ट सुंदरनगर द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चित्रौखड़ी में खोले गए डे केयर सेंटर में इंडोर गेम्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बैलून, चेयर एवं कैरम बोर्ड गेम की प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। कैरम बोर्ड गेम में 70 वर्षीय कमला देवी ने प्रथम स्थान हासिल किया, वहीं द्वितीय स्थान पर माकुल खान रहे। चेयर गेम प्रतियोगिता में कमला देवी ने ही प्रथम स्थान हासिल किया। इसके साथ ही बैलून गेम का भी आयोजन किया गया, जिसमें एक मिनट में अरसाद खान ने दो बैलून फुलाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को शॉल व टोपी पहनाकर ट्रस्ट के चेयरमैन सीआर बंसल ने सम्मानित किया। इस मौके पर ट्रस्ट के संस्थापक प्रकाश चंद ने बताया कि डे केयर सेंटर में वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, तथा ट्रस्ट द्वारा इस तरह के आयोजन करने का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को तनाव मुक्त करना व तंदुरुस्त रखना है। उन्होंने कहा कि अगर वरिष्ठ नागरिक ऐसे आयोजनों में शामिल होते रहेंगे तो मनोरंजन के साथ साथ स्वस्थ व आपसी भाईचारा भी बना रहेगा। मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा सुंदरनगर के डे केयर सेंटर में आज यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों का कैरम बोर्ड, चेयर गेम एवं बैलून गेम का आयोजन यहाँ करवाया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जो यहाँ के वरिष्ठ नागरिक जो यहाँ रजिस्टर्ड हैं उनको तनाव मुक्त रखना और उनके स्वास्थ्य में बढ़ावा देना, ताकि वो खुश रहें, घर से बाहर थोड़ी देर के निकलें और इस सेंटर में आकर के इन गेम्स का फायदा उठाएं। इन गेम्स में प्रथम स्थान हासिल करने वाली श्रीमती कमला देवी 70 वर्षीय है, वो चेयर गेम में फर्स्ट आई तथा कैरम बोर्ड में भी फर्स्ट आई। उसके उपरांत बैलून गेम में श्री असाद खान जो 65 वर्ष के बुजुर्ग हैं उन्होंने प्रथम स्थान हासिल की गया। चेयरमैन श्री सी आर बंसल के द्वारा इनको शॉल एवं टोपी से भी सम्मानित किया गया। मेरा अन्य भी बुजुर्ग जो यहाँ के सुंदरनगर के निवासी हैं उनसे भी अनुरोध है कि इस डे केयर सेंटर में आकर के इन सुविधाओं का भरपूर आनंद उठाएं और अपने जीवन में को स्वस्थ रखें। उन्होंने कहा कि मानव सेवा ट्रस्ट लगातार वरिष्ठ नागरिकों की हर देखभाल करने के लिए प्रयासरत है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।